एक टर्म में 3 बार शपथ ले लिया नीतीश जी ने, तो ये बात तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि वो आए वो चले गए, वो आए वो गए। हम लोगों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया था, जगह जगह हम भी साथ में गए हुए थे, तो हमारा तो मकसद था कि देश में विपक्ष के लोगों को गोलबंद करके 2024 में मोदी जी को रोकें। मीडिया को कहते थे कि हाईजैक हो गया है मीडिया, कुछ लिखने नहीं देता है, कुछ छापने नहीं देता है। अब तो उन्हीं पर जो है हाईजैक हो गया लगता है। कारण क्या है भाई, डबल इंजन की सरकार है, 5 साल तुमको मैंडेट मिला, तुम 3 बार शपथ ले लिए, क्या कारण है डिसॉल्व करने का? देखिए, समझदार लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हमारा इशारा किनके तरफ था, है ना। और एक बात तो सोचना पड़ेगा ना, आप सोच रहे हैं कि क्या हो गया भाई, एक टर्म में तीन बार शपथ ले लिया नीतीश जी ने, तो ये बात तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि वो आए वो चले गए, वो आए वो गए, कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। हम लोगों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया था, जगह जगह हम भी साथ में गए हुए थे, तो हमारा तो मकसद था कि देश में विपक्ष के लोगों को गोलबंद करके 2024 में मोदी जी को रोके। बड़ी बड़ी बातें नीतीश जी करते थे उस समय, तो मीडिया को कहते थे कि हाईजैक हो गया है मीडिया, कुछ लिखने नहीं देता है, कुछ छापने नहीं देता है। अब तो उन्हीं पर जो है हाईजैक हो गया लगता है। एक अंतिम सवाल, जो भी हो सरकार आपकी चली गई, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा में जिस तरीके से जेडीयू के कुछ लोग गायब हो गए, बीजेपी के कुछ लोग गायब हो गए, सम्राट चौधरी ने खुलेआम कहा कि जो हमारे वाले इधर उधर हुए उन पे कार्रवाई करेंगे, इसे सब कहा जा रहा है कि आपका हाथ था, आप सरकार गिरा दिए थे। अब कौन हमारे लोग इधर से उधर गए, उनका अपना निर्णय था, वो गए हैं, किस दबाव में गए हैं, किस परेशानी में गए हैं, क्या उनको कहा गया है, उनके परिवार के लोगों को क्या कहा गया है, ये सब हम जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। अब बिहार की जनता बहुत होशियार है, सब बातों को समझती है। उनके विधायक जहाँ तक बात है एब्सेंट रहे या बहुत पहले से, कोई उस दिन से नहीं, बहुत पहले से उनके विधायकों की नाराज़गी जो है पब्लिक डोमेन में सामने आ गया था। और सबका अगर आप बात भी सुनेंगे आने के बाद भी, कल परसों से हम लोग भी देख रहे हैं, तो सब विधायक जो हैं मौजूदा अफसर शाही से सब लोग परेशान हैं। सीएम हाईजैक हो चुके हैं, 2-4 अधिकारी और 2-4 जो नेता हैं उनके दल में अपने स्वार्थ की राजनीति जो करते हैं, उन्होंने हाईजैक किया है। उन्होंने तो पार्टी और नेतृत्व से नाराजगी जताई है, तो बात तो सामने आ ही गई। कहा जा रहा है कि डिसॉल्व भी हो सकता है, मुख्यमंत्री ऐसा जरूर चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद उनका क्या करेगी, तो ये अच्छे से जानते हैं। तो चाहते हैं किसी बहाने कि भाजपा के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और हम 5 साल के लिए सिक्योर हो जाए। एक अंतिम सवाल फिर, लेकिन अगर ऐसा भी सोचते हैं तो दोनों को नुकसान होगा, जदयू को भी और भाजपा को भी। आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर डिसॉल्व हो जाए तो आप लड़ने को तैयार हैं? कारण क्या है भाई, डबल इंजन की सरकार है, 5 साल तुमको मैंडेट मिला, तुम 3 बार शपथ ले लिए, क्या कारण है डिसॉल्व करने का? 5 साल के लिए होता ना सरकार, कि आपको आंकड़े अच्छे नहीं लगे, जनता ने आपको सीटें नहीं दी तो आपका मन नहीं लग रहा, आप बार बार डिसॉल्व करते रहिएगा, पल्ला बदलते रहिएगा, क्या लॉजिक होना चाहिए ना, कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना डिसॉल्व कराने का, कि आप तीसरे नंबर की पार्टी हो गए तो आप चाहते हैं कि डिसॉल्व कर दें, ऐसे लोकतंत्र चलता है? तो लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली बातें हैं ये। आपने लोकतंत्र की बात की है, आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, और जो चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो हेरफेर हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ, आप और कांग्रेस को जो है वो सीट दे दी मेयर का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया मेयर का उम्मीदवार, और उन्होंने माना कि ये जो तो हुआ था टेम्पिंग हुआ था। आप कैसे देख रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से होगा तो आप क्या कहेंगे? जो पकड़ा गया वो तो सीसीटीवी है तो पकड़ा गया, अब तो चाहेंगे कि लाइव जो है कैमरे हर जगह लगे हैं, जहाँ भी पोलिंग स्टेशन है या जहाँ भी काउंटिंग होती है। और सेम इसी तरीके का काम 2020 में हुआ था, हम लोग सरकार बना लिए थे, ऐसे ही 10 से 15 सीटें हम लोगों को बैलेट से हराने का काम किया गया, जो वोटें रद्द कर दी गई, किसी हमारे कैंडिडेट को 12 वोटों से हरा दिया गया,
किसी को 50 वोट से हरा दिया गया, किसी को 100 वोट से हरा दिया गया, यही काम हुआ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।